सुस्वागतम 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 नमस्कार सत श्री अकाल वणक्कम मेरे प्यारे बहन और भाइयों, आपको मेरा सस्नेह नमस्कार। मैं आपके सामने आपके खिदमत में उपस्थित हो गया हूँ श्री नारायण लेकर दिन विशेष 27 जनवरी के। तो जी हाँ बहन और भाइयों, इस दिन विशेष में जन्मदिन, स्मृति दिन और ऐतिहासिक घटनाएं, साथ में दोस्त विचार भी हैं। तो चलिए चलिए फटाफट आ जाइए और सुन लीजिए आज के दिन विशेष। जी हाँ, तो सबसे पहले हमारे जिंदगी को, हमारे जीवन को प्रेरणादायी अनमोल ऐसे सुविचार जो प्रेरणा देते हैं, सकारात्मकता देते हैं, सही दिशा दिखाते हैं, ऐसे बहुमूल्य सुविचार। तो सबसे पहले ये दो सुविचारों में से पहला सुविचार, काबिले तारीफ होने के लिए वाकिफ तकलीफ होना पड़ता है। फिर एक बार छोटा सा सुविचार, आज दो छोटे छोटे सुविचार हैं। फिर एक बार पहला सुविचार, काबिले तारीफ होने के लिए वाकिफ तकलीफ होना पड़ता है। दूसरा सुविचार, किसी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। जी हाँ बहनों भाइयों, बहुत ही बढ़िया सुविचार है ये, किसी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। जी हाँ, क्योंकि अपने ही अपने को धोखेबाज होते हैं, इसका मतलब होता है लकड़ी पेड़ से ही बनती है ना भाई। तो चलिए आज के ये दो सुविचार और इस दो सुविचारों के साथ, आज विश्व प्रलय दिन है और आज विश्व स्मरणोत्सव दिन है। तो आज के दिन की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं भाई, आज का दिन आपको मंगलमय और शुभ रहे, यही ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ चलते हैं आज के दिन विशेष की ओर, 27 जनवरी की ओर। और इसमें सबसे पहले ऐतिहासिक घटनाएं देखते हैं। सन 1880 में थॉमस अल्वा एडिसन, इन्होंने विद्युत बल्ब के लिए पेटेंट हासिल किया। सन 1888 में वॉशिंगटन डीसी, यहां पर नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी, इसकी स्थापना हुई। 1926 में जॉन लॉगी बेर्ड, इन्होंने पहली बार टेलीविजन का प्रात्यक्षिक दिखाया। 1944 में दूसरा महायुद्ध जारी था जिसमें 872 दिन तक जर्मन सैनिकों ने लेनिनग्राद को घेर लिया था और ये घेराव इन्होंने आज ही के दिन हटाया। 1967 में महाराष्ट्र राज्य पुस्तक निर्मिति अभ्यासक्रम संशोधन मंडल की स्थापना हुई जिसे आज बाल भारती के नाम से जाना जाता है। 1967 में ही केनेडी अंतराल केंद्र पर अपोलो 1 इस यान में आग लगने से 3 अंतराल वीरों की मृत्यु हुई जिनके नाम थे गस ग्रिसम, एडवर्ड व्हाइट और रॉजर शेफी। 1973 में पेरिस करार के अनुसार 31 साल से चल रहा युद्ध जो अमेरिका और वियतनाम के बीच हो रहा था, ये युद्ध आज ही के दिन खत्म हुआ। 1983 में दुनिया का सबसे बड़ा अंडरवाटर बोगदा तकरीबन 53.900 किलोमीटर ये बोगदा खुला किया गया और ये बोगदा जापान के होनशु और होक्काइदो इनके बीच खुला। 1948 में दुनिया का पहला टेप रिकॉर्डर बेचा गया। 1974 में नई दिल्ली का नेहरू स्मारक संग्रहालय राष्ट्रपति वीवी गिरी इनके द्वारा राष्ट्र को अर्पण किया गया और 1988 में हेलीकॉप्टर के द्वारा डाक सेवा शुरू हुई।
तो ये हुए ऐतिहासिक घटनाएं जो 27 जनवरी के रहे। अब देखते हैं आज के जन्मदिन किन महान व्यक्तियों ने आज के दिन जन्म लिया। ऑस्ट्रियन संगीतकार वुल्फगंग मोजार्ट, इनका जन्म हुआ था 1756 में। आरएमएस टाइटैनिक जहाज का कैप्टन जिनका नाम था एडवर्ड जे स्मिथ, इनका जन्म 1850 में हुआ। विचारवंत तर्कशास्त्र लक्ष्मण शास्त्री जोशी 1901। खलनायक अजीत खान जिन्हें अजीत के नाम से जाना जाता है 1922 में इनका जन्म हुआ। 13वें लश्कर प्रमुख जनरल अरुण कुमार वैद्य 1926। में एक्टर बॉबी देओल इनका जन्म हुआ। शिल्पकार रघुनाथ कृष्ण फड़के 1884। महान शास्त्रीय गायिका कलाकार और सुगम गायिका कलाकार आरती अंकलेकर टिकेकर 1963। दिग्दर्शक विक्रम भट्ट 1969। अभिनेता श्रेयस तलपदे 1976। लेखक व कवि अनुष्का सबनिस 2007। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की सुविद्य पत्नी और समाज सेविका सविता अम्बेडकर 1909। शयन चौधरी 1978 में इनका जन्म हुआ और ये बांग्लादेशी संगीतकार और गायक हैं। महेश कुमार कनोडिया ये एक महान कलाकार हैं, फीमेल वॉइस ऑफ फीमेल हैं और वॉइस ऑफ खास करके लता मंगेशकर की आवाज़ ये निकालते थे, तो ये महेश कुमार के नाम से बहुत मशहूर थे और इनकी महेश कुमार नामक पार्टी भी थी। इनका जन्म 1937 में हुआ था। और कुछ जन्मदिन है जिसमें विश्व प्रसिद्ध भारतीय न्यायाधीश राधा विनोद पाल 1886, पॉलिटिशियन स्वामी सहजानंद 1890 और अभिनेत्री और गायिका सायोनी घोष 1993। तो ये हुए जन्मदिन जो 27 जनवरी के रहे। और अब स्मृति दिन देखते हैं। रोटरी क्लब के संस्थापक पॉल हेरिस 1947 में इनकी मृत्यु हुई थी। मैहर घराना के एक सितार वादक निखिल बैनर्जी, इनकी मृत्यु 1986 में हुई। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित हिंदी लेखक, पटकथा लेखक, दूरदर्शन के एडिशनल डायरेक्टर कमलेश्वर 2007। इंडोनेशिया के दूसरे राष्ट्राध्यक्ष सुहार्तो 2008। भारत के 8वें राष्ट्रपति आर वेंकटरामन 2009। मुगल सम्राट हुमायून 1556 और अभिनेता भारत भूषण 1992। तो ये हुए भाई आज के दिन विशेष। आज के दिन विशेष खत्म करने की अब इजाज़त चाहता हूँ। सी नारायण को दीजिए आज्ञा भाई। लेकिन अगर इसमें कुछ गलतियाँ या सुझाव या आपकी सूचनाएँ हो तो ज़रूर मेरे पर्सनल चैट पर संपर्क करें। मेरा नंबर है 7058311389। तो चलिए भाई अब लेता हूँ विदा, कल मिलने का करता हूँ वादा। तो चलिए बहन और भाइयों नमस्कार, अलविदा।